इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ढोलपुर राजस्थान के पूर्व में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। जब राजस्थान के इतिहास की बात होती है तो नाम लिया जाता है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसे शहरों का। पर क्या आप जानते हैं ढोलपुर का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? इसका एक कारण है यहाँ पर पाया जाने वाला लाल पत्थर। भारत के जनतंत्र के दो प्रमुख प्रतीक दिल्ली का लाल किला और राष्ट्रपति भवन, इन दोनों इमारतों में ढोलपुर के लाल पत्थर का ही इस्तेमाल हुआ है। आइए जानते हैं ढोलपुर और उसके लाल पत्थर की कहानी। वैसे देखा जाए तो ढोलपुर के इतिहास की शुरुआत होती है 2.5 बिलियन साल पहले, जब पृथ्वी में बदलाव हो रहा था और जब सारे समुद्र मेल्ट होकर जमीन फॉर्म हो रही थी, वोल्केनो हो रहा था एंड ऑल। तब ये जो पूरा इलाका है उसे विंध्यन बेसिन कहा जाता है। ये 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है जो जोधपुर से लेकर बुंदेलखंड तक फैला हुआ है और इसे विंध्यन बेसिन कहा जाता है। यहाँ पर जमीन के 5,000 मीटर नीचे तक सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल के डिपॉजिट्स हैं। और इसी पत्थर से अगर हम आप अगर देखें राजस्थान की हवेलियां, बुंदेलखंड के महल, तो ये सब इसी पत्थर के बने हुए हैं। और इस पत्थर के अलग अलग जो कलर्स हैं उसमें धौलपुर जो इलाका है वहां पर लाल रंग का ये सैंडस्टोन मिलता है जिसे हम ढोलपुर स्टोन पॉपुलरली कहा जाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि स्वतंत्र भारत के जो सबसे पावरफुल सिंबल्स हैं, एक है दिल्ली का लाल किला और दूसरा है दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, इन दोनों जगहों पर इस सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, धौलपुर सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है। तो इनडायरेक्टली धौलपुर जो रीजन है उसका इतिहास और जो इन्हें भारत की जो हिस्ट्री और कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है। ढोलपुर शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित तीर्थराज मुचकुंड का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। धौलपुर के पास एक कुंड है जिसे तीर्थराज मुचकुंड कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं इसका कनेक्शन जो हिंदू एपिक्स हैं उसके साथ। इस ये एक सरोवर है जिसके चारों तरफ मंदिर और छत्रियां बनी हुई है और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है जो हमें विष्णु पुराण और हरिवंश में मिलता है। तो हिंदू एपिक्स के अनुसार राजा मुचकुंड जो थे वो जो भगवान श्री राम है उनके पूर्वज थे, एक सूर्यवंशी थे। और जब देवों और असुरों की लड़ाई हुई तब उन्होंने देवों का साथ दिया असुरों को हराने में। और तब भगवान इंद्र ने उनको पूछा था कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो राजा मुचकुंड ने कहा कि हमें सोना है, हम लड़ रहे हैं असुरों के साथ तो हम सो नहीं पाए हैं, तो हमें आप सोने का वरदान दीजिए कि हम हजारों साल तक एक अच्छी निद्रा में सोए रहें। और मान्यता के अनुसार इसी जिसे हम तीर्थराज मुचकुंड कहते हैं वहीं पर वो सो रहे थे जंगलों के बीच में। और हजारों सालों बाद एक यवन या ग्रीक राजा, उस काल यवन करके, उसने एक बड़ी फौज के साथ मथुरा पर हमला किया और वहां पर भगवान श्री कृष्ण थे। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने इस काल यवन नाम के राजा से लड़ने की बजाय वो भागने लगे और राजा काल यवन भी उनके पीछे भागने लगा और वो भागते भागते इस जगह पर आए जहां राजा मुचकुंड सो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण कहीं पर छुप गए। और इस काल यवन को क्या लगा कि ये जो सो रहे हैं वही भगवान श्री कृष्ण है और उन्होंने जोर से राजा मुचकुंड को लात मारी। तो लात मारने के बाद राजा मुचकुंड उठ गए और उनकी, बिकॉज वो हजारों साल तक सो रहे थे, उनकी आंखों में इतनी ताकत थी कि काल यवन भस्म हो गया।
तो उसी समय से यू नो इस क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशन है उसमें। और यहाँ पर काफी मंदिर है जो अराउंड 17वीं शताब्दी में बने हुए हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद ढोलपुर का महत्व और बढ़ने लगा। इतिहास में जो धौलपुर का ये जो इलाका है जो चंबल नदी के तट पर बसा है, ये ज्यादातर घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ पर जंगली जानवर थे। मान्यता के अनुसार धौलपुर की स्थापना यहाँ पर अराउंड 700 CE में राजा धवलदेव तोमर करके थे, उन्होंने एक गांव बसाया था धवलपुरी, और धवलपुरी से ही उसका नाम धौलपुर पड़ा। बट हमें उससे उसके अलावा ज्यादा कोई रेफरेंसेस पहले के दिनों के धौलपुर के मिलते नहीं है। धौलपुर का महत्व शुरू होता है मुगलों के आने के बाद, जब बाबर सेंट्रल एशिया से भारत आए और उन्होंने यहाँ के लोधी शासकों को हराया, तब उन्होंने अपना राज आगरा पर स्थापन किया। अगर आप देखें तो धौलपुर आगरा से सिर्फ 55 किलोमीटर दूरी पर है। हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेफरेंस मिलता है कि 24 अगस्त 1528 को बाबर ने भारत का पहला मुगल गार्डन धौलपुर के पास निर्माण उन्होंने किया था, जिसे उन्होंने बागे नीलोफर या लोटस गार्डन कहा था। और यहाँ पे उन्होंने एक यू नो जैसे हम लाहौर में या कश्मीर में या दिल्ली में ये मुगल गार्डन्स देखते हैं, उस तरह का एक चारबाग पद्धति का मुगल गार्डन जिसमें एक मस्जिद थी, हमाम थे, ये परी भारत का पहला मुगल गार्डन था धौलपुर के पास ही। अनफॉर्चुनेटली यू नो समय के अनुसार जो गांव वाले थे उन्होंने यहाँ उसके अवशेष सब यू नो बिल्डिंग्स तोड़कर उसका सब मटेरियल यूज करके, तो आज सैडली उसकी कोई अवशेष उस बागे नीलोफर के नहीं बचे हैं। पर ये एक धौलपुर का बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। दूसरा महत्व ये था कि जब मुगल अपने शहर और महल बना रहे थे, जैसे कि बादशाह अकबर है जिन्होंने आगरे किले में महल बनाए, फतेहपुर सीकरी में बनाए, बाद में आगे जाकर बादशाह शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया, उसमें जो लाल किले का निर्माण किया, तो सारा जो पत्थर थे वो धौलपुर से ही एक्सकवेट करके उन्हें बनाया जाता था। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर का निर्माण किया, तो वो भी चाहते थे कि उनका शहर भी दिल्ली और आगरा की तरह लाल पत्थर का बने। पर ऑब्वियसली जब वो महाराजा सवाई जयसिंह जब एक इतना बड़ा शहर जैसे जयपुर बना रहे थे, तो वो इतनी क्वांटिटी में धौलपुर से पत्थर नहीं ला सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो जयपुर शहर है उसको एक गेरुआ जिसे बोलते हैं टेराकोटा पिंक, उसमें पेंट करवा दिया, तो तभी से वो पिंक सिटी जाना जाने लगा। तो ये था महत्व कि धौलपुर का जो लाल पत्थर है इट वाज अ सिंबल ऑफ इंपीरियल पावर। और इंटरेस्टिंगली जब सर एडविन लटन्स नई दिल्ली का निर्माण 1920s में कर रहे थे, इसी कारणवश क्योंकि वो एक सिंबल ऑफ पावर और अथॉरिटी था, उन्होंने राष्ट्रपति भवन और जो हमारा देश का पार्लियामेंट बिल्डिंग है और कई इमारतें हैं वहां पर धौलपुर पत्थर का इस्तेमाल किया। मुगल काल में क्योंकि इस क्षेत्र में काफी घने जंगल हुआ करते थे और काफी जंगली जानवर हुआ करते थे, तो मुगलों के लिए शिकार के लिए ये एक पसंदीदा जगह हुआ करती थी, क्योंकि ये सिर्फ आगरा से 55 किलोमीटर दूर थी। तो धौलपुर के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जिसे तालाबे शाही कहा जाता है और खानापुर महल भी कहा जाता है उसे। तो ये एक पैलेस कॉम्प्लेक्स है जिसे प्रिंस खुर्रम, जो आगे जाके बादशाह शाहजहां बने, उनके लिए बनवाया गया था। और ये एक बहुत बड़ी झील है जिसे, और यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं आते हैं, इसके पास में जंगल है, तो मुगलों के लिए एक परफेक्ट हंटिंग रिट्रीट हुआ करती थी। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इतना खूबसूरत मुगल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है जो फतेहपुर सीकरी और आगरा के महलों को राइवल करता है, और मुगलों के बाद यहाँ की राजाओं का वो शिकारगाह बना। पर
आई थिंक कि तालाब-ए-शाही मुगल काल की भारत की सबसे खूबसूरत मुगल कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। मुगल काल में धौलपुर का तीसरा महत्व ये था कि अगर आप चंबल नदी देखें तो वहां पर जो नेशनल हाईवे है जो ग्वालियर से आगरा जाता है वहां पर एक ब्रिज बना हुआ है। पर एक इनक्रेडिबल बात यह है कि इसी जगह पर जो फौजें थी वो चंबल को पार किया करती थी। ये एक परफेक्ट स्पॉट था आगरा और ग्वालियर जो जाने वाली जो सेनाएं थी और जो ट्रेडर्स थे और जो लोग दक्षिण हिंदुस्तान जाना चाहते थे उत्तर से, तो वो यही से चंबल नदी क्रॉस करते थे। तो अगर आप देखें तो ये जो क्रॉसिंग है जहां पर अभी एक मॉडर्न पुल बना हुआ है उसके बिल्कुल पास में एक किला बना हुआ है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था जिसे शेरगढ़ कहा जाता है। और वो एक स्ट्रेटेजिक जो चंबल का क्रॉसिंग है उसको डोमिनेट करता है। इट वाज आल्सो लाइक अ टोल नाका कि अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना है, तो उस समय का एक सिक्योरिटी था। और इनक्रेडिबली यही पर दारा शिखो ने चंबल नदी क्रॉस की थी औरंगजेब को रोकने के लिए कि वो आगरा पर जब भाइयों की लड़ाई हो रही थी तो वो नहीं चाहते थे कि औरंगजेब आए और आगरा को कैप्चर करे, तो यही पर उन्होंने क्रॉस करके अपना डेरा जमाया था। बाद में जब मराठे आए तो जब वो उत्तर हिंदुस्तान में जाते थे तो यही से क्रॉस करते थे। तो इस तरह से एक धौलपुर इवन दो एक बड़ा शहर नहीं था बट उस क्षेत्र का काफी महत्व था। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के अंत होने के बाद यहाँ पर बमरावलिया राज परिवार का राज हुआ जिनका ग्वालियर से ऐतिहासिक रिश्ता था। 1707 में बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद जब मुगल साम्राज्य टूटने लगा और नई नई ताकतें आने लगी तो धौलपुर के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आज यू नो वसुंधरा राजे सिंधिया के कारण जो धौलपुर की महारानी है तो उनके कारण हम एसोसिएट करते हैं धौलपुर और ग्वालियर को। बट सच बात तो ये है कि जो धौलपुर का राज आज का जो राज परिवार है जिसे बमरौलिया जाट राज परिवार कहा जाता है वो सिंधिया परिवार के सबसे बड़े दुश्मन थे महादजी सिंधिया और दौलतराव सिंधिया के। तो एक्चुअली कहानी ये है कि ये जो धौलपुर का राज परिवार है वो ओरिजिनली रूल करता था जो जितना भी ग्वालियर का जो रीजन है सिंधिया आने से पहले इसी परिवार का पूरे जो ग्वालियर का किला है और जो आसपास के जितने भी जो बाद में ग्वालियर स्टेट और सिंधिया स्टेट बना तो ये सारा इलाका इन बमरौलिया जाट राज परिवार के पास था जो गोहाद जो भिंड ग्वालियर के पास भिंड एक जगह है वहां पर वो राज करते थे। एक जाट परिवार था। जब महादजी सिंधिया की फौजें 1700s में जब उत्तर हिंदुस्तान पर आई तो सिंधियाज ने इस परिवार को एक तरह से खत्म ही कर दिया उनकी पावर को। तो 1805 में क्या हुआ जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ तब इस परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया दौलतराव सिंधिया के खिलाफ और तब फिर बाद में जाकर 1805 में एक सेटलमेंट हुआ कि द सिंधियाज ने फाइनली कहा कि ठीक है यू नो आपको अंग्रेजों के इंटरवेंशन के कारण उन्होंने कहा कि हम वो चंबल नदी के आगे वाले जो तीन परगने हैं जंगल इलाका था उसका कोई इनकम नहीं था एक आउटलाइन एरिया था तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमने तो यू नो आप आपका तो ग्वालियर ले लिया और सब कुछ ले लिया बट आप सब आपके महल बहल सब छोड़ छाड़ के इस जंगल में आप चले जाइए और वहां पर राज कीजिए। और 1805 में धौलपुर रियासत का एक्चुअली निर्माण हुआ। सो फ्रॉम ग्वालियर एंड गोहाद ये परिवार धौलपुर रॉयल फैमिली या धौलपुर राज परिवार कहलाया जाने लगा। 1850s में यहाँ पर राणा भगवत सिंह राज करते थे और उस समय यहाँ पर दो बहुत इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स बनाए गए। एक तो है एक बहुत ही सुंदर शिव मंदिर है धौलपुर में जिसे चोपड़ा शिव मंदिर कहा जाता है। यहाँ के जो दीवान थे उन्होंने इस बहुत ही खूबसूरत शिव मंदिर को बनाया था। और दूसरा एक अभी ये एक बहुत हम कहेंगे कि ये धौलपुर का एक अजूबा है। धौलपुर शहर के बीचों बीच बिल्डिंग से घिरा हुआ एक मकबरा है
जिसे गजरा का मकबरा कहा जाता है। और ये पुलिस स्टेशन और है, तो पुलिस स्टेशन और यू नो बाकी बिल्डिंग से घिरा हुआ है, तो ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते हैं। पर जब हम उसे देखने गए तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक इनकम्प्लीट ताजमहल है जो धौलपुर पत्थर से बना हुआ है। तो अपेरेंटली इसकी कहानी ये है कि 1850s में जो यहाँ राणा थे धौलपुर के, उनकी एक प्रेमिका थी गजराबाई, और जब गजराबाई का निधन हुआ तो राणा बहुत दुखी हुए और वो उनके लिए एक ताजमहल बनाना चाहते थे, पर ये कंप्लीट होने से पहले ही राणा जी का भी निधन हो गया और ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। पर इसे गजरा का मकबरा या गजराबाई का मकबरा जाना जाता है। बहुत ही अद्भुत इमारत है ये धौलपुर की, सैडली बहुत ही जर्जर हालत में है। उसके बाद अराउंड 1850 से 1870s और उसके बाद यहाँ पर राणा निहाल सिंह ने राज किया, और उनके समय बहुत मॉडर्नाइजेशन हुआ धौलपुर का, और एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, अमेनिटीज, और शहर का धीरे धीरे विकास होने लगा। यहाँ पर एक क्लॉक टावर भी है धौलपुर में, जिसे निहाल टावर कहा जाता है, जो जिसका काम उनके समय शुरू हुआ था। और एक बात है धौलपुर को लेकर कि राणा निहाल सिंह है वो ही वॉज अ कलेक्टर ऑफ पर्ल्स, और उस समय ऐसा माना जाता था, बहुत ही सरप्राइजिंग है, पर मैंने खुद किताबें देखी हैं जो 1860s, 1870s, 1890s में इंग्लैंड में और यूरोप में प्रकाशित हुई थी, और इन सारी किताबों में ये कहा जाता है कि दुनिया का फाइनेस्ट कलेक्शन ऑफ पर्ल्स जो था वो धौलपुर के राणा निहाल सिंह के पास था, एंड ही वाज नोन एज द पर्ल किंग। और एक ये भी कहानी है कि रशिया के जो जार है उन्होंने उस समय के 60 लाख रुपीस यू नो उन मोतियों के लिए ऑफर किए थे, जो राणा निहाल सिंह ने रिफ्यूज किया वो ऑफर, तो उन्हें मोतियों के राजा कहा जाता था। उसकी वजह से धौलपुर का नाम यूरोप में भी काफी प्रतिष्ठित था, यू नो धौलपुर के जो इनफैक्ट धौलपुर के जो मोती थे वो इवन हैदराबाद, बड़ौदा और पटियाला जैसे बड़ी बड़ी रियासतों के मोती का जो कलेक्शन था उससे भी ज्यादा स्पेक्टेकुलर था। इट वॉज कंसिडर्ड द फाइनेस्ट पर्ल कलेक्शन इन इंडिया। और फिर बाद में उसके बाद कई राजा आए, और आखिर के राजा थे राणा उदयभान सिंह। राणा उदयभान सिंह ने राजस्थान में अपनी रियासत 1947 में विलीन की। उनका बेटा नहीं था तो उन्होंने अपने पोते हेमंत सिंह को राजगद्दी पर लिया, और उन्हीं की हेमंत सिंह की ही पत्नी है वसुंधरा राजे सिंधिया। यू नो एक समय था कि धौलपुर बहुत ही पिछड़ा इलाका था एंड ऑल, बट अभी अगर आप जाएं धौलपुर तो जब वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी तो आप देख सकते हैं कि कैसे मॉन्यूमेंट्स का प्रिजर्वेशन किया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से धौलपुर का भारत के इतिहास में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज जहां एक तरफ आगरा और फतेहपुर सिकरी में लाखों पर्यटक धौलपुर के लाल पत्थर के अजूबों को देखने आते हैं, वहीं दूसरी तरफ धौलपुर की ऐतिहासिक धरोहर कहीं गुमनामी में खो गई है। आशा है कि धौलपुर का खोया हुआ गौरव यहां फिर से लौटेगा।